मैं तो अभी इस बात को रो रहा था कि वो चंद रोज पहले हमारे डॉक्टर अमजद साकिब साहब जी उन्होंने इस्तीफा दे दिया बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, हालांकि उनकी तकर्री जो 3 साल के लिए हुई थी, और ये मैं समझता हूँ उनका एहसान था कि उन्होंने इस इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरमैनी संभाली थी। बड़े कदावर शख्सियत और नहीं, और उनका देखे, उनका तो रिकॉर्ड देखे ना, उन्होंने कोई तनख्वाह ना तनख्वाह लेनी थी ना कोई मराहत लेनी थी, बिल्कुल बहुत काम किया, तफसील बयान करेंगे किशन। अब मैं मुझे सदमा हुआ, मालूम हुआ कि जो हुकूमत आई है उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया, कहा भाई उनको सुनगुन हुई कि कोई सियासी तकर्री होने वाली है या करना चाहते हैं, उन्होंने कहा भाई वापस मुझे इस्तीफा। और हमारी रुबीना खालिद है, मेरे ख्याल सेनेटर है शायद, सेनेटर रुबीना, केपी के और पीपल्स पार्टी की, बिल्कुल उनको हमने बरकरार कर दिया। ये जो हमारी सियासी हुकूमतें हैं, ये जमहूरी हुकूमतें हैं, इसलिए रुस्वा होती हैं। भाई आपको अगर डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने इस्तीफा दिया था, वजीर आजम उनके सामने हाथ जोड़ते कि भाई आप ये इस्तीफा वापस ले, सही बात है, और ये काम आपके सपुर्द है, आप मौजूद तरीन आदमी है ये काम करने वाले, और बड़ा इत्मीनान से इस्तीफा कबूल कर लिया और एक सेनेटर साहब जो वहां मुकर्रर हो गई। आप देखिए, यानी कोई तमाशा है। पहले इन्होंने ये पीपल्स पार्टी के दौर में पहले क्या हुआ, पहले हमारा हायर एजुकेशन कमीशन था, उसको जलील किया गया, अताउर रहमान साहब उसके चेयरमैन थे, बिल्कुल उनको जनाब वो अगर वो चेयरमैन रहते तो पता नहीं हमारी आला तालीम कहां से कहां तक पहुंच, और उनको जनाब इसी तरीके से क्योंकि अपनी मर्जी के चेयरमैन लगा दिए गए। तो ये तमाशे खत्म करने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब अपनी को हुकूमत की साख की तरफ तवज्जो करें, लोग बाइज्जत लोगों की कदर करना सीखें। सर लोग वरना फिर उनको खिदमत कर रहे हैं जो मुल्क, फिर लोग एक तो छोड़कर आते हैं खिदमत करने के लिए, फिर छोड़ के वापस चले जाते हैं। भाई वो तो अपना काम कर रहे हैं हुकूमत की, नहीं मैं मिसाल दे रहा हूँ, और भी उनका तो एहसान था कि उन्होंने ये कबूल कर ली। मैं तो आत्मगोला हो गया, भाई उन्होंने इस्तीफा दिया तो आप उनको कहे नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप काम जारी रखे, हमें आप पर एतमाद है। अब ये फौरी तौर पर इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और जो जिन लोगों ने हमला किया है उन तक कानून का हाथ पहुंचना चाहिए, और ये तमाशे खत्म होने चाहिए। कभी हमला हो गया किसी पर, कभी कोई अगवा हो गया, मालूमात ले सर अपने, कभी कोई लापता हो गया, ये क्या तमाशा है? हमें दारुल हुकूमत की हिफाजत नहीं कर सकते हम, तो फिर क्या फायदा है इतने बड़े ताम झाम का? पिछले दारुल हुकूमत भी ठेके में दे दे उसकी किसी सिक्योरिटी एजेंसी को, प्राइवेट एजेंसी को, कमाल है भाई। ला हौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला। सर उस एक जमाने में वहां पर वो नाके भी थे, वो फिर हटाए गए, तो उस पर भी एतराज लोगों का हुआ था कि जी हमें मुश्किल मुसीबत। यासिर मलिक ने सर ज्वाइन कर लिया, जरा ताजा उनसे जरा सिचुएशन ले, नाके हटाए जाएं या ना हटाए जाएं, इससे कोई गरज नहीं है हमें, सेफ हमें सेफ सिटी होना चाहिए, ठीक है, किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए कानून को हाथ में लेवा, काश ऐसा हो। यासिर मलिक साथ हैं, यासिर जरा क्या इस वक्त उनकी हालत तबीयत कैसी है, क्या हुआ? वो ब्लेड से सुना है हमला किया है, जो हमारे पास विजुअल जो हमने देखे हैं बड़े खौफनाक आए हैं, और क्या कोई इस पे कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से? देखें सेक्रेटरी जो है इंफॉर्मेशन रऊफ हसन, ये जब पहुंचे इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में, एक निजी टीवी चैनल का दफ्तर था जहां पर ये इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे, और वहां पर इनके ऊपर ये हमला किया गया, और हमला जो है वो एक ब्लेड से किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि जिन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया और हमला करने के बाद वो वहां से फरार हो गए। एक तो ये G7 का जो सेक्टर है ये रेड जोन में आता है, और रेड जोन में होने के बावजूद उनके ऊपर इस तरह से हमला हो गया। फिर वो जो निजी टीवी चैनल के जो लोग थे और जो एंकर साहब थे वो उनको रऊफ हसन साहब को लेकर अपने ऑफिस में चले गए। इस दौरान उनके चेहरे के ऊपर से खून बह रहा था। इब्तदाई जो तिबी इमदाद है वो उनको दी गई, पुलिस को भी वहां पर बुलाया गया, पुलिस ने अपने तमाम तर शवाहिद जो है उनको इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अभी तक जो है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रऊफ हसन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से कोई भी कार्रवाई के लिए, कानूनी कार्रवाई के लिए कोई दरख्वास्त की क्या जरूरत है जब हमला हुआ है और लोग नजर आ रहे हैं, कार्रवाई करे, लेकिन वो पुलिस को रिपोर्ट हो गई वो शामी साहब, लेकिन पुलिस को एक दरख्वास्त ये खुद से भी देंगे। पुलिस अपने तौर पर तमाम चीजें ले गई है, और पुलिस ने ये यकीन दहानी भी करवाई है कि वो कार्रवाई करेगी, और जो इसमें सीसीटीवी में नजर आने वाले जो लोग हैं उनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब उनको चले ठीक है, अब वो अस्पताल में है या घर जा चुके हैं? देखिए वो अपनी उनको फर्स्ट एड जो है वो दे दी गई थी, हॉस्पिटल में उनका चेकअप भी करवा लिया गया है, और इस वक्त वो हॉस्पिटल में नहीं है, रवाना हो चुके हैं,
और चूंकि उनके चेहरे के ऊपर ब्लेड मारा गया है और उनको जो वो स्टिचेस वगैरह जो लगने थे वो लग चुके हैं, लेकिन अब चूंकि हसन रऊफ साहब जो है वो चले गए हैं, रऊफ हसन साहब, और अब उनका जो है वो मेडिकल का भी जाहिर बात है पुलिस जो है वो वेट करेगी, लेकिन इसके साथ साथ एक पुलिस ने तमाम जो शवाहिद है वो भी इकट्ठे कर लिए हैं। ठीक है, चले ठीक है, सही है यासिर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस के ऊपर है अफसर के वो यानी कि कितनी जल्दी कितनी तेजी से कार्रवाई है, वजीरे दाखला की जिम्मेदारी है, और ये आईजी पुलिस जो है हमारे कहाँ गए, नासर रिजवी साहब वहाँ गए, अली नासर रिजवी लाहौर से गए ना, उनकी जिम्मेदारी है ये, क्या मतलब क्यों दारुल हुकूमत का तमाशा क्यों बनाया जा रहा है।